हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे मैथ क्लासेस। मैं गौरव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ। और मेरा टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, तो उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अभी आगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिनों में करते हैं। बी और सी 2 दिन काम करते हैं, तो सी इस काम को एक कितने दिन में करेगा? तो देखिए, चलो चलो देखते हैं। देखो, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है काम को? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो इनका एलसीएम लोगे तो अब कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यानी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी रहेगी? 8 हो जाएगी। सॉरी, बी की क्षमता आपकी 9 हो जाएगी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कह रहा है कि बी और सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो 1 दिन का काम दोनों का कितना? 15 है। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो शेष काम कितना हो जाएगा फिर आपका? टोटल काम 180 है। 180 में से 30 को माइनस करें कितना बचेगा? 150, यानी कि 150 बचेगा। तो ए द्वारा लिया समय कितना हो जाएगा? समय कैसे निकालते हैं? टोटल काम बटे क्षमता। तो एक क्षमता कितनी? 10। तो समय कितना हो जाएगा उसका? 15 दिन। नोट करें। क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी किसी काम को 9 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो देखिए, ए किसी काम को कितने दिन पूरा करता है? 9 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन पूरा करता है? 15 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। यानी कि जो ए है वो कितने दिन में पूरा करेगा? क्षमता उसकी 5 है और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। अच्छा, ए काम शुरू कर रहा है आपका, तो ए और बी द्वारा जो काम किया जाएगा, ए और बी द्वारा 2 दिनों में काम, देखो 1 दिन का, ए पहले ए आएगा, ए करेगा 5 काम कर देगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा 8-3 काम कर देगा। तो 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा आपका? टोटल 8 काम हो जाएगा। 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 8। आपको काम कितना करना है? 45 करना है। अच्छा, 2 दिनों में 8 हो गया तो 10 दिनों में कितना हो जाएगा? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 दिनों में काम। तो 5 का मल्टीप्लाई किया, यहां पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 काम हो चुका 10 दिनों में। अब कौन आएगा? ए आएगा। ए कितना काम कर देगा? ए द्वारा 11वें दिन काम। अच्छा, ए आएगा, कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया आपका? 45 हो गया। और आपको 45 काम भी चाहिए था, यानी कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है? 11 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? नोट करिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में जोत देते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे काम कर रहे हैं, और काम कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। कितने बजे? सुबह 9 बजे शुरू कर रहा है। तो जुताई कितने बजे कंप्लीट हो जाएगी? तो देखिए, ए कितने घंटे में करता है इस काम को? ए करता है 8 घंटे में। और बी कितने घंटे में करता है? बी करता है 12 घंटे में। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 24 एलसीएम आ जाएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कि ए और बी द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ए और बी द्वारा 2 घंटे में काम कितना हो जाएगा? पहले घंटे में 3 काम करेगा, दूसरे में 2 करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। आपका काम कितना है? 24 काम है। कितना काम है? 24 काम है। तो कितने घंटे में? अब देखेंगे, ए और बी द्वारा इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 घंटे में काम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 का करा, 4 का करते हैं, आपको करना 24 काम। अब देखो, अब कौन आएगा? ए आएगा। कौन आएगा? ए। तो ए द्वारा 9वें घंटे काम कितना हो जाएगा? ए आया, ए ने कितना काम कर दिया? 3 काम कर दिया। तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 काम हो गया।
आपको चाहिए 24 काम, आपको कितना काम चाहिए 24 काम चाहिए, यानी कि अब आएगा बी, बी एक घंटे में दो काम करता है, यानी कि एक घंटे में कितना काम करता है दो, यानी आधे घंटे में कितना कर देगा एक काम कर देगा, अतः बी द्वारा 9 सही 1/2 में घंटे में काम कितना हो जाएगा, एक घंटे में दो काम करता तो आधे घंटे आधा घंटा एड किया मैंने इसमें तो कितना काम कर देगा 23+1 यानी कि 24, आपको 24 काम करवाना था 24 काम इसमें कर दिया, टाइम कितना लगा 9:30 घंटे का, कितने घंटे का 9:30 घंटे, काम कितने बजे शुरू हुआ था, काम सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, 9 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 में 9 जोड़ोगे तो शाम के 6 आ जाएगा और आधा घंटा जोड़ोगे तो 6:30 आ जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 6:30 शाम के आ जाएगा, नोट करिए। देखिए कह रहा बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम कर सकता है, ठीक है, ये तो उनकी क्षमता दे रखी है, कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 9:36 में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 9:36 में कर सकते हैं और सी इस काम को 48 घंटे में करता है, यानी देखो ए और बी जो है कितने घंटे में कर रहे हैं 9:36 में कर रहे हैं, यानी कि 48/5 घंटे में कर रहे हैं, सी इस काम को कितने घंटे में कर रहा है, सी इस काम को 48 घंटे में कर रहा है, कितने घंटे में कर रहा है 48 घंटे में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका डिवाइड करो कितना आएगा 5 आएगा, इसका डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, अभी कह रहा था कि ए और बी प्लस सी की जो क्षमता है वो क्या आपस में बराबर है, यानी कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और बी प्लस सी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी बराबर, इसलिए अच्छा कह अभी देखो यहां से आपको दिख रहा है एक सी की क्षमता कितनी है 1 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा आपका, बी द्वारा लिया समय कैसे निकालते हैं, टोटल काम बटे क्षमता कितना हो जाएगा 24, बात सभी घंटे में चल रही है 24 घंटे, नोट करें। देखिए क्वेश्चन है 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में करती हैं जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो कैसे कह रहा है 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में करती हैं और कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करते हैं, ये तो कह रहा है वो, यानी कि ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2, आप जानते हो M1 D1 M2 D2 इक्वल होते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3M+7W बराबर 4×4M+6W कितना हो जाएगा 15M+35W बराबर 16M+24W, तो इधर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा M इक्वल में M तो आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 11W, यानी कि M/W कितना हो जाएगा आपका 11/1 हो जाएगा, यानी कि आदमी की क्षमता कितनी है 11 है और महिला की क्षमता कितनी है 1 है, आपसे पूछ रहा है कि 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो इन दोनों में से किसी भी एक को ले लीजिए, किसी भी एक को ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूं 3 एम की वैल्यू कितनी है 11+7 डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1 बराबर इंटू 5 है बराबर कितनी महिलाएं हैं 10, क्या है महिला, महिला क्षमता कितनी है 1 और कितने दिन में करेंगे और डे हो जाएगा उसका, तो कितना आएगा 33+7×5 10×D, ये 40 हो जाएगा, 40 में 5 का मल्टी 40×5/10 तो डी कितना आएगा आपका 20 दिन, तो 20 दिन का ये आपका आंसर हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पैटर्न पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चार पुरुष और छह महिलाएं आठ दिनों में कर रहे हैं और कह रहा है दो पुरुष और नौ महिलाएं आठ दिनों में कर रहे हैं, तो एम वन डी वन बराबर क्या होता है, एम टू डी टू। आपको फटाफट करना है, फॉर्मल रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चार एम प्लस छह डब्लू इंटू में आठ बराबर दो एम प्लस नौ डब्लू इंटू में आठ, आठ से आठ कट जाएगा। चार एम प्लस छह डब्लू दो एम प्लस नौ डब्लू, दो को बदल ले जाओगे दो एम आ जाएगा ये और तीन डब्लू आ जाएगा, यानी एम अपन डब्लू कितना आ जाएगा आपका तीन बटे दो हो जाएगा। पुरुष की क्षमता तीन है और महिला की क्षमता कितनी है, दो है। कह रहा है नंबर को ये दे लो, चार एम की क्षमता तीन है, छह डब्लू डब्लू क्षमता दो है, इंटू में आठ बराबर क्या है कितनी महिलाएं अठारह, कौन है महिलाएं, महिलाओं के लिए क्या लगाना है आपको, दो लगाना है और दिन पूछ रहा है तो डी लगा देना। देखिए चार से बारह, बारह प्लस बारह इंटू आठ बराबर ना अठारह इंटू दो इंटू डी, तो डी बराबर कितना आएगा चौबीस इंटू आठ बटे अठारह इंटू दो। देखो ये कट जाएगा छह से कट जाएगा चार बार और ये कट जाएगा छह से तीन बार और ये कट जाएगा कितना आएगा आपका सोलह बटे तीन, सोलह को क्या लिख सकते हो आप पांच सही एक बटे तीन डी, तो फर्स्ट आपका आंसर होगा। तो देखते हैं यदि 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में करते हैं तो 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे इस काम को कितने महीने में करेंगे, ऐसे भी पूछा है। तो क्या कह रहा है वो, 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में करते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे उस काम को कितने महीने में करेंगे। तो टाइम दे रखा है आपको 7 महीने का, तो पांच बटे दस इसको करने की एक ट्रिक होती है, पांच बटे बीस और पांच बटे चालीस इसको सॉल्व कर दोगे आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सात पांच ऊपर से कॉमन आ जाएगा और चालीस एलसीएम आएगा, दस का भाग चार में करोगे चालीस में चार आएगा दो वन ये सात हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका सात बटे पांच इंटू सात बटे दस, यानी कितना हो जाएगा आपका चालीस सॉरी आठ महीने। नोट कर लीजिए चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। ए अकेला किसी काम को छह दिन में कर रहा है, बी अकेला किसी काम को बारह दिन में कर रहा है, दोनों कितने दिन में करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे, ए किस काम को छह दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बारह दिन में कर रहा है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बारह दिन चौबीस, चौबीस एलसीएम आ जाएगा आपका। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी, तो ए प्लस बी द्वारा टाइम कितना लग जाएगा, टोटल काम बड़े टोटल क्षमता कितना आएगा चार दिन, पहले पे टिक कर देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिया मैंने आपको पहले शुरू में, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना, दूसरे क्वेश्चन को, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 दिन 24 हो जाएगा एलसीएम, ए की क्षमता आपकी 2 हो जाएगी और ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है आपकी 3 है, ए की क्षमता कितनी 2 है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, बी की क्षमता आपकी एक आ जाएगी। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं टोटल काम बटे क्षमता, तो टाइम कितना लगेगा 24 दिन, पहले पर टिक कर लीजिए नोट करिए फटाफट। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी उसी काम को जो है 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है,
तो उनका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, 90 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 इसकी क्षमता हो जाएगी, 6 इसकी क्षमता हो जाएगी और 5 सी की क्षमता हो जाएगी। कह रहा है तीनों पर का काम कितने दिन में करेंगे, टाइम निकालना तीनों का। तो टोटल काम बटे टोटल क्षमता 9, 15 और 20 हो जाएगा ये। तो कितना आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 4 सही 1 बटे 2 दिन, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, यानी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, वो 30 दिन में कर देगा। कह रहा है बी उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 3×5=15 है तो 5 बार कट जाएगा, 5×20 हो जाएगा, 20 दिन में कर देगा। अगर ए काम को 30 दिन में कर रहा है, बी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, एलसीएम का 60 आ जाएगा। तो कितना आएगा, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। कह रहा है दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का टाइम निकालना है आपको, तो 60/5 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा आपका आंसर, 12 दिन। नोट करना, क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी उसी काम को जो 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, बी प्लस सी की क्षमता आपकी 4 आ जाएगी और सी प्लस सी की क्षमता आपकी 5 आ जाएगी। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, 7 और 5 12 आ जाएगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए टोटल काम जो होता है उसमें टोटल क्षमता का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका, 10 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, ए बी ये उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी और ये उसका टाइम हो जाएगा। अगर उसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि बी की कार्य क्षमता 1 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम जानते हैं एबिलिटी और टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है, तो 1:2 रेशियो इसका हो जाएगा। कह रहा है कि पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी कि यहां पे गैप कितना है, 1 का, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 10 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा, यहां पर कितना टाइम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो समाप्त करने में दोनों इस कार्य को समाप्त करने में कितना टाइम लेंगे, तो ए कितना टाइम ले रहा है, 10 और बी कितना ले रहा है, 20। तो ए ले रहा है 10, बी ले रहा है 20, तो टोटल कितना लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20, 2, 1 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 20/3, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 6/2/3 दिन आपका टाइम हो जाएगा। फर्स्ट पर टिक नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी कल पढ़ाएंगे, और पढ़ते रहिए।